नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेमानंद घाग। दोस्तों, आपने एमएस एक्सेल में कट कॉपी पेस्ट सुना होगा। कट कॉपी पेस्ट एक बहुत ही मामूली फंक्शन लगता होगा आपको। बहुत सारे लोगों ने आपको कट कॉपी पेस्ट जो सिखाया रहेगा या फिर आपने कहीं कहीं से सीखा होगा, वो आपको बहुत ही सिंपल लगता होगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। आप उन वेरिएशंस को यूज़ करके बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन ईजिली सॉल्व करा सकते हो। आपको उस जगह पर कोई फॉर्मूला डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन से आप बहुत सारी चीजें इजीली कर सकते हो। दोस्तों, वो कौन सी चीजें हैं और किस तरह से करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो केसेस के लिए हमारे साथ बने रहिए आखिर तक। तो दोस्तों, ये वीडियो में देखेंगे कट कॉपी पेस्ट। नमस्कार दोस्तों, अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन। दोस्तों, हम एक छोटा सा मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ। मैं अपना नाम डाल देता हूँ प्रेमानंद, मैंने एंटर कर दिया। अभी मुझे इसको नीचे पेस्ट करना है, तो मैं कंट्रोल दबा के डी भी दबा सकता हूँ, तो मेरा ये पेस्ट हो जाएगा। दूसरा हमेशा एक तरीका होता है, हम यहाँ से इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। इसको यहाँ पर कहीं पर भी जो सेल में डालना है, वो सेल में कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। आप याद रखिए, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। अब इसका तरीका कौन सा है, यहाँ पर जाइए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, या फिर मैं सेल पे रखता हूँ, यहाँ पर ऊपर कॉपी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर देता हूँ, आपको एक छोटा सा लाइन बना हुआ दिखेगा। दैट मीन्स ये एरिया भी कॉपी हो गया। तो जिसको वहाँ जहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर रख के मैं इसको पेस्ट दबा दूंगा। ओके, तो मेरा एक कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। अभी ये दोनों वैल्यू को मुझे उठा के ये कॉलम में नहीं रखने हैं, मुझे ये प्रेमानंद के नीचे लाना है। तो ये इसके लिए मेरा कट ऑप्शन है। कट ऑप्शन का शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से आप कट करा सकते हो और कंट्रोल वी से अगेन आप पेस्ट करा सकते हो। ये पूरा प्रोसेस अगर आपको वापस अंडू करना है, तो कंट्रोल जेड से आप अंडू भी करा सकते हो। देखो, कंट्रोल जेड से अंडू भी हो गया। अगेन मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पर जाके मैं कट करता हूँ, इसको यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ पर जाके पेस्ट दबा देता हूँ। दोस्तों, इस तरह से आप कोई भी डेटा को आप काम करवा सकते हो, उससे आप कट कॉपी पेस्ट करा सकते हो। दोस्तों, भी दूसरा एक वेरिएशन दिखा देता हूँ। देखो, इसमें मैंने किया, ये प्रेमानंद है, इसको मैंने यहाँ पर से एक कलर दे दिया और इसको एक छोटा सा कलर मैंने डिफाइन करा के इसको दे दिया, एक टेक्स्ट कलर दे दिया। और देखो, अभी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको समझने के लिए, आपको और अच्छे से समझने में आसानी हो जाएगी। देखो, इसमें मैंने अभी प्रेमानंद इसको ब्लू कलर दिया है टेक्स्ट को, और इसका जो फिल है, फिल मैंने येल्लो रखा हुआ है। अभी ये जो फॉर्मेट है, ये सब फॉर्मेट में नीचे वाले सारे डेटा को देना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे जाना है फॉर्मेट प्रिंटर। पहले वो एरिया सिलेक्ट कीजिए, फिर फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कीजिए। फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके आप जिधर चाहे वहाँ पर आप ये डेटा को फॉर्मेटिंग करा सकते हो। देखो, अगेन मैंने इस एरिया सिलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया, और देखो ये सेल पे जैसे ही क्लिक किया, वो जो भी उसकी फॉर्मेटिंग्स है, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है, वो सारी प्रॉपर्टीज और उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी होके आपके सिलेक्टेड सेल पे चली जाएगी। दोस्तों, अभी मैं दिखाऊंगा और एक नया वेरिएशन जो बहुत ही अलग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर डालता हूँ मैं 100, इधर नीचे आता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ मैं 200, और नीचे आता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ मैं 500। सो सेम वे में यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। अभी दोस्तों, हम देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग। देखो, मैंने 100 को लिया, 100 को कॉपी किया, और मैंने 200 पे लिया, और 200 में जाके मैंने यहाँ पर पेस्ट में नीचे ड्रैग डाउन कर दिया, और पेस्ट में ड्रैग डाउन करके यहाँ पर पे स्पेशल है, तो मैंने पे स्पेशल पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पर अभी ऐड दबा दिया। देखो, प्रॉपरली देखिए, मैंने 100 को कॉपी किया, 100 को कॉपी करके पे स्पेशल में गया, पे स्पेशल में जाके यहाँ पर ऑपरेशंस में ऐड दबा दिया, और मैंने 200 को सिलेक्ट करके ऐड कर दिया, ओके कर दिया। देखो, आपके 100 ये 200 में ऐड हो गया और आपका वैल्यू हो गया 300। देखो, आपको यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको इमीडिएटली आपका 200 का वैल्यू ऊपर से प्लस होके आ गया। दोस्तों, दिस इज दैट सो इजी, आप इमीडिएटली बहुत ही आराम से सीख सकते हो। अभी देखो, मैं 300 को कॉपी करता हूँ, 300 को कॉपी करके मैं 100 को सिलेक्ट करता हूँ। आप इस स्टेप प्रॉपरली ध्यान दीजिए, 300 को कॉपी किया, फिर 100 को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर पेस्ट में जाके पे स्पेशल कर दिया, पे स्पेशल में जाके ऐड कर दिया और ओके कर दिया। देखो, 300
प्लस जो ऊपर का वैल्यू था अराउंड 200 to 100, तो ये हो गया 400। सो दोस्तों, इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी हम देखेंगे दूसरा ऑपरेशन। मैंने ये 400 को कॉपी किया, 300 पे क्लिक किया और पेस्ट में जाके यहाँ से मैंने पे स्पेशल कर दिया। पे स्पेशल में जाके मैंने यहाँ पर ऐड हो गया। अभी सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट कर दिया और ओके कर दिया। देखो आपका -100 आ गया वैल्यू, क्योंकि 400 से 300 अभी गायब हो गया, कम कर था 200 अभी, सॉरी 500 कम हो गया, तो अभी -100 आ गया। दोस्तों अभी दूसरा और एक ऑप्शन करते हैं। मैं 400 को कॉपी करता हूँ, 500 पे सिलेक्ट करता हूँ, पे जाता हूँ, पे स्पेशल करता हूँ और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 500 से, तो अभी वैल्यू वहाँ पर आ गया अराउंड 2 लाख रुपीज़ का वैल्यू आ गया। मैं इसको कॉमास डाल देता हूँ तो वैल्यूज आपको एड करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अभी और एक ऑपरेशन करते हैं। अभी और एक ऑपरेशन करते हैं, इसको हम लोग 500 से डिवाइड करते हैं। मैं 500 को कॉपी करता हूँ, 200 पे 2 लाख पे रखता हूँ, 2 लाख पे सेल पे रख के मैंने पेस्ट में जाके पे स्पेशल किया और यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया, ओके कर दिया। देखो आपको 400 मतलब 500 को 400 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 लाख आएगा। ओके तो डिवाइड होके आपका 400 आंसर आ चुका है। दोस्तों और कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। मैं 400 को कॉपी करता हूँ, 400 को कॉपी करके मैं पे स्पेशल में जाता हूँ। पे स्पेशल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे पेस्टिंग के। पेस्टिंग के जाके भी 400 को मैंने पिक्चर में, जैसे ही मैं ये कर देता हूँ, पिक्चर में जाके पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरा एक पिक्चर बन गया। देखो 400 का एज इट इज एक रेप्लिका बन गया पिक्चर फॉर्मेट में। वो पिक्चर फॉर्मेट आप कहीं पर भी जाके पेस्ट कर सकते हो, आप क्रॉस प्लेटफॉर्म भी पेस्ट करा सकते हो। दैट मीन्स आपने एक्सेल से टेबल बना दिया, उसको पिक्चर फॉर्मेट आप जाके PPT में डाल सकते हो या फिर MS वर्ड में डाल सकते हो। तो इस तरह से आप क्रॉस फॉर्मेट वो पिक्चर फॉर्मेट यूज कर सकते हो। और एक आपको वेरिएशन दिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर जाके कॉपी कर देता हूँ, फिर आपको राइट क्लिक करके भी आप पे स्पेशल में जा सकते हो या फिर यहाँ पर से भी जा सकते हो, आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे। ओके पे स्पेशल में जाके आपको ऑल करोगे तो नॉर्मल पेस्ट हो जाएगा। फॉर्मूला अगर आपका कोई रहेगा, ये हम लोग आगे जाके देखेंगे, तो आपका फॉर्मूला पेस्ट करेगा, वैल्यू पेस्ट करोगे तो वैल्यू हो जाएगा, फॉर्मेट्स पेस्ट करने आपको फॉर्मेट्स पेस्ट हो जाएंगे, कमेंट्स पेस्ट करने आपके कमेंट्स पेस्ट हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह से ये पे स्पेशल एक ऑप्शन है जिसको आप यूज करा के आपका बहुत सारा फॉर्मूला वाला एक्टिविटी कम करा सकते हो। दोस्तों इन ऑप्शंस को प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, या फिर मुझे व्हाट्सअप से कनेक्ट कीजिए, या फिर कोई और मोड ऑफ कम्युनिकेशन से आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए, मुझे वो सारे प्रॉब्लम्स आपके पूछ लीजिए। आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन दिस योर क्वेरीज। सो गाइज दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम और भी बहुत सारा और बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान वाली चीज़ सीखने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे और आपको ज़रूर वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।